मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का डर अब हकीकत बनकर सामने आने लगा है। सरकार के दावों की हवा निकलना भी शुरू हो गई है। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां सरकार बीजेपी की है, इसलिए कृषि कानून भी इस राज्य में लागू कर दिया गया था। कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी रूप दिया गया है, लेकिन किसानों को इसमें कोई सुरक्षा नहीं मिली है, जिसका नुकसान मध्य प्रदेश में किसानों को होता दिख रहा है। तो क्या है मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के धरने को ढाई महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी पर गारंटी वाला कानून बने, लेकिन सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिनवाने में लगी है। कृषि कानूनों के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में जो मामला सामने आया है, वो सरकार के इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। बैतूल के सैकड़ों किसानों ने सहजन यानी ड्रमस्टिक की खेती करने के लिए कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कंपनी किसानों को धोखा देकर गायब हो गई है। कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सैकड़ों किसान कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि राज्य में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने UWEGO एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में किसानों को बताया था। एक किसान का कहना है कि राज्य में हॉर्टिकल्चर विभाग की सिफारिशों के आधार पर सितंबर 2018 में कंपनी के साथ एक अनुबंध पर दस्तखत किए गए थे। अनुबंध के एक हिस्से के रूप में हस्ताक्षर करने के समय मुझे पौधारोपण के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करना था। मैंने 2 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया था और 40,000 रुपए जमा किए थे। कंपनी को शुरू में पौधे और तकनीक की जानकारी देनी थी, साथ ही कंपनी ने उपज खरीदने का आश्वासन दिया था। बैतूल जिले में करीब 200 ऐसे किसान हैं जिन्होंने सहजन की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। किसानों ने बताया है कि उनमें से कुछ किसानों को पौधे मिले और कुछ को पौधे नहीं मिले। जिन किसानों को पौधे मिले वो जल्द ही सूख गए। इसके बाद किसानों ने प्रशासन से कई बार संपर्क किया, लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही प्रशासन ने संतोषजनक जवाब दिया। DB लाइव की रिपोर्ट।